सलमान और शाहरुख लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को लेकर भले ही किसी को अपना प्रतिद्वंदी न मानते हों, बॉक्स ऑफिस में जब इनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो ये अपनी फिल्मों की सफलता को लेकर बड़े ही आश्वस्त नजर आते हैं। दोनों ही हीरो अपनी फिल्मों में आंकड़ों का डंका जोर जोर से पीटते हैं, लेकिन खामोशी से काम करने वाले आमिर खान हर बार उनको मार दे जाते हैं। इसलिए आमिर बॉक्स ऑफिस के रियल किंग हैं। आमिर कैसे बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, इसका प्रमाण हम आपको देते हैं। हमने तीनों स्टार्स की फिल्मों की कमाई को इस पैमाने में मापा है। इस लिहाज से अगर आमिर खान की पिछली 5 फिल्मों में कमाई की बात की जाए तो उनकी कमाई 993.74 करोड़ रुपए है। वहीं सलमान खान इस दौड़ में 850.79 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शाहरुख खान इस लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी फिल्मों की कुल कमाई 770.98 करोड़ रुपए है। बॉक्स ऑफिस के कीर्तिमानों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 100 करोड़ क्लब की शुरुआत आमिर खान की फिल्म गजनी से हुई थी। 200 करोड़ रुपए की पहली फिल्म भी आमिर खान की 3 इडियट्स थी। तो अब तक 300 करोड़ क्लब की शुरुआत भी उनकी फिल्म पीके से हुई है। अभी तक जारी किए गए आंकड़ों में आमिर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पीके ने चंद दिनों में कई मुकाम हासिल कर लिए हैं। पीके अब तक 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है।